एक बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत, हर वर्ग लई सच्ची हमदर्दी रखण वाले अते हर वेले परमात्मा दी रजा विच रहण वाले इंसान वैद सुभाष गौड़ जी। आप जी हमेशा ही सच दे रस्ते ते चले अते सबना नाल हस के बोलना आप जी दा सुभासी। आप हर किसे दे दुख दर्द वे सहाय हुंदे सन। आप जी बहुत ही चंगे संस्कारां दे धारनी सन अते आप जी दे चंगे संस्कारां दी झलक आप जी दे समुचे परिवार विचों देखी जा सकती है। आप जी दा समुचा परिवार मिठ बोलदा परिवार है अते परमात्मा दे पाणी विच रहण वाला परिवार है। वैद सुभाष गौड़ हुणा दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों शिव मंदिर मोहल्ला चौधरियां फिलौर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्साए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, ये मैंने सुना। अब मैं उस मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूं। हे देव देवेश, हे भगवान, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयानक संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत योनियां उत्पन्न होती है और मरती है, उनका कोई अंत नहीं है। ये कभी दुख से पीड़ित रहता है तो कहीं इन्हें सुख प्राप्त नहीं होता। हे मोक्ष के दाता, हे प्रभु, जीव ऐसा कौन सा कर्म करे जिसके करने से इस संतृप्ति चक्र में ना पड़े और मुक्ति को प्राप्त हो। हे माधव, आप उस विषय में मुझको बताने की कृपा करें। गरुड़ जी के सुंदर वचन सुनकर के भगवान कहने लगे कि हे गरुड़ देव,
आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में मनुष्य के हित की बात पूछी है। मेरे संसार मोक्ष सनातन उपाय को आप लोगों से कहूंगा, आप ध्यान पूर्वक उसको सुनो। सर्वताक्षे प्रवक्षयामि यन्मां तत्त्व परिच्छसि यस्य श्रवण मात्रेण संसार नरम मुच्यते। हे पक्षीराज गरुड़, तुम इस विषय में मुझसे पूछते हो, मैं बताता हूँ, सुनो। जिसके सुनने मात्र से ही देव संसार से मुक्त हो जाता है। अस्ति देव परब्रह्म निर्परब्रह्म निष्कर शिव सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वेषु निर्मलोदय स्वयं ज्योतिष निराराधे निर्मलाकार तत्पर निर्गुणं सच्चिदानंद संज्ञान जीव संगये। कि जो परब्रह्म है, परमात्मा है, निष्कल है, कला रहित जो परब्रह्म स्वरूप शिव है, वो सर्वकर्ता सर्व जगह पर सर्वेश्वर है, निर्मल है, अभेद है, जिसको भी डरना जा सके। वह परमात्मा स्वतः एक प्रकाश रूप है, अनादि है, अनंत है, निर्वराकार है, तत्पर आगो, तत्पर निर्गुण, सचित आनंद, आनंद स्वरूप। कलयुग में आया हुआ जीव उस परमात्मा का ही अंश है। अनाद विद्या पहुता यथा वाजो विश्वपुल्लिका देय उपाधि पर संपन्नास्ते कर्म निराराधवे सुख दुख दुख प्रदे पुण्य पाप निरूप निर्यंत्रता तत्व संजीव संयुक्तम देहमाह भुर कर्मज। के जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां उत्पन्न होती है, उसी प्रकार अनादिकालिक अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देह आदि की उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप दुख सुख प्रदान करने वाले कर्मों से निरंतर होकर के तदस्य जाति योग देह आदि शरीर अपने कर्मों के अनुराग भोग प्राप्त करते हैं। प्रति जन्म प्रवर्थे तेषामपि परम पुनः सूक्ष्मलिंग शरीर सदारक्षो मोक्ष पाये सदाक्षरं खं इस्तावरं क्रमं लब्ध्वा पक्षिणा पशवो नरः। भगवान कहते हैं कि हे खग, इसके पश्चात भी इस शरीर का परित्याग करके जीव अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं, और यह क्रम जब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता उस सूक्ष्म लिंग शरीर को धारण किए रहता है। ये जीव कभी स्थावर होता है तो कभी वृक्ष लता की जड़ योनियों को भोगता है, और उनको भोगने के बाद पुनः क्रम योनियों में तदंतर जलचर पशु पक्षी आदि योनि को प्राप्त करते हुए ये मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। चतुर्दश शरीर पाणं प्रत्यानोक्तं सहस्त्रः। और कहते हैं कि फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में पुनः देवता तथा देव योनि के पश्चात क्रम से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। अंत विच परिवारिक मेंबरां वालों आईया हुई प्रमुख शख्सियतां दा आईया हुई समूह संगतां दा तहे दिल तो धन्नवाद कीता गया। सभी बंधुवालों का परिवार की ओर से धन्यवाद करते हुए हाथ जोड़कर से निवेदन किया जाता है कि सभी बंधुवाल चाय पानी आदि घर करके ही जाए। सभी से हाथ जोड़कर के निवेदन